गई है। हाँ जी स्टूडेंट्स, वीडियो प्ले हो चुकी भी है। स्टूडेंट्स क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? अब पहले जो है वो आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो चुका हुआ था लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था वीडियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके? चलें जी, पहले का ये स्टार्ट हुआ हुआ था लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो सका, सो अब दोबारा से हम रीस्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। इंशाल्लाह जो है हमारा और आपका साथ काफ़ी देर तक जो है वो रहेगा, हम इंजॉय भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो मैं कुछ बात कर रहा था आपके साथ, क्या आप लोग मुतवज्जे हैं? मैं आप लोगों का दो दो तीन बातें करना चाहता हूँ टॉपिक समझाने से पहले। अगर टॉपिक समझाना एंट्री टेस्ट में इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, इम्पोर्टेंट क्या है वो आपसे आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। सो एवरीबडी इज़ हेयर, ज़रा मुतवज्जे हो जाएं। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करूँ मैं अपनी बात फिर? चलें जी, आप में से वो कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम MDCAT दे रहे हैं, या फर्स्ट टाइम जो है वो नम्स का सेशन जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं? आप में से कौन से बच्चे हैं? हाँ जी ज़रा बताएं, जो फर्स्ट टाइम देंगे, मीन उन्होंने अभी ऐसे की है और उनके एग्ज़ाम नहीं हो सके लॉकडाउन की वजह से, सो वो फर्स्ट टाइम जो है एंट्री टेस्ट देंगे, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं? हाँ जी, तो वो बता दें फर्स्ट टाइम। और जो बच्चे सेकेंड टाइम दे रहे हैं वो कौन से हैं? वेरी गुड, मैं ठीक है जी, मुझे अंदाज़ा हो गया आप सब फर्स्ट टाइम के हैं। सेकेंड टाइम वाले कौन से हैं? रिपीटर्स कौन से हैं? हाँ जी, रिपीटर्स कौन से हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, रिपीटर्स कौन से हैं? वेरी गुड, फर्स्ट टाइम वाले मुझे पता चल गए हैं, अब रिपीटर्स वाले जल्दी से मुझे बता दें। हाँ जी स्टूडेंट्स, रिपीटर्स कौन से हैं? ठीक है जी, रिपीटर्स देख लिए मैंने, वेरी गुड, मतलब रिपीटर्स कम है, इम्प्रूवर्स या रिपीटर्स कम है? सर ना अब आप लोगों का मैं ना माइंड बना रहा हूँ कि आप लोगों ने ना तैयारी करनी कैसे है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है, मुश्किलात जो आपके सामने आएंगी उनको आपने किस तरह से डील करना है। वजह ये बनी, कल मैंने आप लोगों के ना रिव्यूज़ पढ़े जाके घर, ना आप लोगों ने जो रिव्यूज़ अपलोड किए हुए थे कि लेक्चर में कैसे होना चाहिए कैसे होना चाहिए, तो उसके हवाले से आप लोगों को मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपने ये बातें ध्यान से सुननी है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने FSC पढ़ी है, या जो लोग फेडरल से हैं उन्होंने फेडरल बोर्ड पढ़ा, दो साल के लिए पढ़ा, सब ने पढ़ा ना, और जिन्होंने इम्प्रूव कर रहे हैं वो तो दो दो तीन तीन साल से पढ़ रहे हैं, सो आप लोगों ने कोर्स पढ़ा हुआ है, सो वो कोर्स जो आपने पहले दो साल में पढ़ा है, हम उस कोर्स को अब कम करके 2 मंथ्स में पढ़ेंगे। बेशक कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हाफ टॉपिक्स भी हैं फिर भी एक साल तो लगेगा ही ना, लेकिन अब हमने उसको कितने मंथ्स में कवर करना है, ये 3 मंथ्स का है, लेकिन बीच में संडेज भी हैं, डिस्कशंस भी हैं, सो डिस्कशंस को निकाल दें, जिन दिनों में हमने डिस्कशंस करनी है संडेज को निकाल दें, ये सारा कुछ निकालने के बाद आपके पास तकरीबन 2 महीने बनते हैं, बल्कि इससे भी कम, आपके पास 50 लेक्चर्स बनेंगे, इन 50-50 लेक्चर्स तक जो हैं वो आपके पास होंगे, तकरीबन 50 लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट आपके पास, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करना है हमने, UHS का भी और NUMS का भी। हर बड़ी अकेडमी में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में ऐसे ही होता है, बल्कि इससे भी कम होता है, बड़े बड़ी अकेडमी में 40 से 45 लेक्चर्स के अंदर सिलेबस जो है वो कवर करते हैं, और हमने 50 या 50 से ज़्यादा लेक्चर्स के अंदर सिलेबस को कवर करना है। तो बच्चों ये बात समझ लें, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, हम अब आपको FSC की तरह नहीं पढ़ा सकेंगे, अगर हम FSC की तरह चलेंगे तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे,
अगर हम आधा सिलेबस पढ़ लें, बहुत डिटेल से पढ़ लें, आधा छोड़ दें, क्या हमारा एंट्री टेस्ट क्लियर होगा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर हम आधा सिलेबस पढ़ें बच्चों और आधा सिलेबस छोड़ दें, तो क्या हमारा सिलेबस कवर होगा? यस और नो? हमारा एंट्री टेस्ट क्लियर होगा? यस और नो? अगर हम सिलेबस ख़त्म ना करें तो क्या हमारा एंट्री टेस्ट क्लियर होगा विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस? हाँ जी बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चे हैं और मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छा गाइड करूँगा। मैंने 3 दफ़ा एंट्री टेस्ट दिया हुआ है। आप लोगों में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम 2 मरतबा दे रहे हैं, मैंने उस वक्त 3 दफ़ा दिया था और उस ज़माने में एंट्री टेस्ट आता भी बहुत मुश्किल था, अब तो आसान आता है, उस टाइम बहुत मुश्किल आता होता था और उस टाइम मेरिट भी इतना हाई नहीं था, नंबर ही नहीं आते थे इतने, अब तो इतने नंबर आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने 2 साल वाले सिलेबस को 50 लेक्चरों के अंदर कवर करना है, तो क्या हम बगैर स्पीड के कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें एक लेक्चर में कभी कभी पूरा चैप्टर भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब रटे नहीं लगाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों नहीं आने, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। अगर आपका पूरा जो है वो क्या नाम है चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है एक दिन में या 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में, तो आपने क्या करना होता है, उसमें से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। आपने रटे नहीं लगाने, चीज़ों को जहन में बिठाना है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं याद करने, लॉन्ग या एमसीक्यूज के हिसाब से उसको पढ़ना है। सो ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा। यकीन करें जो बच्चे फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उनको तो नहीं पता, जो सेकेंड टाइम ले रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं ना कि 1 लेक्चर में 2 लेक्चर्स में पूरा पूरा चैप्टर भी पढ़ाया जाता है? क्यों बच्चों? जो रिपीटर्स हैं वो ज़रा इस बात की शहादत दें, वो गवाही दें, कभी कभी 1, 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा पूरा चैप्टर करवाया जाता है कि नहीं, ताकि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि ऐसे ही चलता है, आपको इसके मुताबिक अडेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी रिपीटर्स, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोग ज़रा बताएं, ज़रा ना बाकी बच्चे जो आपके छोटे बहन भाई आए हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ऐसा होता है ना कि 2 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया, अगर छोटा एंजाइम वाला तो वो आधे लेक्चर में जो है वो ख़त्म किया जाता है, ऐसे ही है ना। ये देखें अब आपके सामने ये चीज़ आ गई है, फ्रेश स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो पहली मर्तबा बेचारे दे रहे हैं उनको इतना लंबा सिलेबस थोड़े से वक्त में मैनेज करना मुश्किल होता है। सो आप बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे सर ने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं करें। देखें टीचर्स बड़े अरसे से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि सिलेबस कैसे मैनेज करना है। ये मैं जैसे आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ, कल आप लोगों ने रिव्यूज़ के अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था कि इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है, कम पढ़ाया है। और एक और चीज़, एक तो सिलेबस के हवाले से हो गया कि सिलेबस एंजाइम के साथ तो अगला भी पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पीड के साथ आप लोगों के कमेंट्स हैं। कमेंट्स के बारे में कल कुछ ऐसे रिव्यूज़ थे जिनमें ये लिखा हुआ था कि आपने जवाब नहीं दिए। अब अगर हम चलते हैं स्पीड के ऊपर तो हर 1 मिनट के बाद कमेंट कैसे देखेंगे, हर 30 सेकंड के बाद कमेंट्स देखे जा सकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, अगर मैं जिन हूँ तो फिर तो मुझे पता चल रहा है कौन कौन कमेंट कर रहा है, मुझे उसी वक्त जवाब देने हैं, मुझे नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझे टाइम लगता है दोबारा SMS रीड करने के लिए। देखें आप क्या नाम है आपका, मैं नाम नहीं ले रहा, कल उन्होंने क्या रिव्यू किया, जो आपके कमेंट्स हैं मैं आपके कमेंट्स बार बार रीड नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं हर 1 मिनट के बाद कमेंट्स देखूं तो जिन बच्चों ने कल मुझे कमेंट्स के बारे में शिकायत की, आप बताएं कि अगर मैं आप लोगों की बात सुन के आप लोगों के साथ ही बातचीत करता रहूं, रिप्लाई करता रहूं, तो क्या मैं पढ़ा सकूंगा? हाँ जी बच्चों, ये आप लोग डिसाइड ना करें कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोगों ने बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत चीज़ों को हम देख पड़ते हैं। अगर मैं ये वर्कशीट्स के जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपका भी जवाब देता हूँ, ज़रा तहम्मुल रखा करें, ठीक है। तो मुझे बताएं अगर मैं हर 1 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद, जब चाहे बच्चा जब चाहे मैं यहाँ पे देखना शुरू कर दूँ, तो क्या मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा? मैं इधर पढ़ाऊँ, फिर कमेंट देखूँ, फिर पढ़ाऊँ, फिर देखूँ, फिर पढ़ाऊँ, फिर देखूँ, बताओ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा?
कोई भी टीचर ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगी, इससे इसका नुकसान आपको होगा। क्या आप लोग मेरी बात जो है वो समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको टाइम दिया करूंगा, आप क्वेश्चन पूछें। 10 मिनट मैं आपको क्या नाम है पढ़ाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, ठीक है? फिर आप उस टाइम के अंदर अच्छे बच्चों की तरह कमेंट करेंगे, ठीक है जी? तो अब जब आप लोग बार बार कमेंट करते हैं और दूसरे बच्चे और कमेंट करते हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आ पाते। बायोलॉजी का सिलेबस सबसे ज़्यादा, तो आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों भाई, कोऑपरेट करेंगे ना? मुताहिर, मुताहिर साहब, कोऑपरेट आप लोग जब तक नहीं करेंगे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि आप लोगों का मेन गोल क्या है। क्यों भाई, आप लोगों का मेन गोल अच्छी तरह पढ़ाई करना है या बार बार कमेंट करना है? बार बार, एक्चुअल में असूल ये होता है कि आपने लेक्चर सुनना है, उसके बाद कमेंट्स करना, ये असूल होता है। हर जगह एंड पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, हर जगह होता है, ठीक है? मेरा काम है आपको जो है समझाना कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो नहीं सीखेंगे, तो फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम होगी। मेरा काम है एज ए बड़े भाई आपको समझाना, एज ए फादर आपको समझाना कि एक्चुअल जो रूल होता है वो ये होता है कि आप पहले टॉपिक समझें, उसके बाद क्वेश्चन पूछें। बड़ों को बीच में मुखातिब नहीं करते, ये ना एक एज ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमारा जो क्या नाम है, सबसे बड़ा जो मेन फोकस है वो अदब होता है। हम लोग टीचर्स के अदब के ऊपर और उनके उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो अगर कोई बड़ा बात कर रहा है, क्या बीच में टोकना अच्छी बात है? क्यों भाई बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुताहिर साहब मुझे कह रहे थे कि नहीं जी आप पढ़ा सकते हैं बीच बीच में पढ़ के। अच्छा चलें, इसको ऐसे देखें कि क्या अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में एकदम कोई बच्चा कमेंट करना शुरू कर दे, तो ये मेरे ख्याल से टीचर को टोक रहे हैं। हालांकि टीचर ने कहा हुआ है कि मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का, आप तब पूछ सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है, आप क्वेश्चन को लिख लिया करें, बेस्ट मेथड होता है ये। मैं आपको बड़े बड़े रूल्स बता रहा हूँ जो बड़े बड़े टीचर्स बताते हैं ना, बड़ी बड़ी जगहों पे अप्लाई होते हैं। वो कहते हैं बेटे आप अपने पास एक पेज रखें और उस पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा करें, जब टीचर टाइम दे तब आप क्वेश्चन पूछें, या टीचर जब देख रहा हो उस टाइम जो है वो कमेंट करें, ठीक है? देखें अब कंपैरिजन नहीं करना, कौन देता है आंसर कौन नहीं देता, हर किसी का स्टाइल चेंज है। सो डू नॉट कंपेयर, फिजिक्स का सिलेबस हमारे सिलेबस जैसा नहीं है, ठीक है ना? इसलिए कंपैरिजन नहीं करना। क्योंकि मैं टोटली बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इसलिए मेरा सारा टारगेट कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे होगा। तो मैं अगर बार बार इधर देखूंगा फिर प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखूंगा, ठीक है? सो कंपैरिजन नहीं करना अच्छे बच्चों की तरह, हर टीचर के स्टाइल को अडॉप्ट करना है। हर टीचर की अपनी अपनी जो है ना वो एक स्पेशलाइजेशन होती है, अपने अपने मिजाज होते हैं, अपने अपने जो है ना वो रूल्स होते हैं। सो आपने उनके मुताबिक जो है ना वो लेके चलना है, ठीक है ना स्टूडेंट? बात समझ आ गई है? आपके मुताबिक टीचर्स चलने चाहिए या आपको टीचर्स के मुताबिक चलना चाहिए? तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना स्टाइल है। अगर आप मेरे स्टाइल्स को फॉलो करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा, और मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूँगा, मैं आपका भला ही चाहूँगा। सो इसलिए समझ लें आपका, ताकि शुरुआत में ही अगर आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच होगी तो इंशाल्लाह मोहब्बत के साथ हम लोग लेक्चर लेंगे। अब आ जाते हैं जी वर्कशीट्स के ऊपर, नेक्स्ट मेन चीज़ है जी वर्कशीट्स। वर्कशीट जो है ना वो मैं आपको कैंपस ड्राइव के ऊपर अपलोड करके दूंगा, कैंपस ड्राइव के ऊपर अपलोड करके दूंगा। कैंपस ड्राइव आपको कहाँ से मिलेगी बच्चों? कैंपस ड्राइव आपको मिलेगी जब आप मेरी पिक्चर पे क्लिक करेंगे। मेरी पिक्चर आपको कहाँ से मिलेगी? जो मेन पेज है जहाँ से आप लोग लेक्चर लेते हैं, वहाँ पे सारे टीचर्स की तस्वीरें हैं।
उन तस्वीरों में जब आप मेरे नाम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। मेरी प्रोफाइल में जाके बच्चों आप क्या करेंगे, कैंपस ड्राइव पे क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर के नोट्स एमडी कैट के, और आज से इंशाल्लाह मैं एमडी कैट प्लस नम्स के भी वहाँ पे नोट्स और वर्कशीट अपलोड कर दिया करूँगा। हम यकीन करें आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, यकीन करें, वर्कशीटें बनाते हैं, टेस्ट अरेंज करते हैं, हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए आपने भी हमारे साथ फोकस करना है, हमारे मिजाज को समझना है, ठीक है। चूंकि बायो का सिलेबस सबसे ज्यादा है और बायो के एमसीक्यूज भी सबसे ज्यादा है, 200 में से 80 एमसीक्यूज तो खाली बायो के ही हैं, सो बायो को समझने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, ठीक है। डिस्कशन के अंदर जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप जितने क्वेश्चन चाहें मुझसे कर सकते हैं, उस टाइम आपके जवाब देने का पाबंद हूँगा। बीच में चूंकि बार बार मुड़ना पड़ता है, इसलिए जो है ना वो मेरा ये चूंकि थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वैसे तो टीचर्स बच्चों ऑर्डर देते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने, अगर आपका क्वेश्चन बीच में आ रहा है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है, और फिर जब मैं कहूँ जी समझ आ गई या क्लियर हो गया, उस टाइम आपने बताया जी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये चीज़ हमें जो है ना वो बता दें, ठीक है जी। टीचर सवाल कर आपको टाइम देते हैं ना, जिस तरह समझ आ गई है, चीज़ क्लियर हो गई, आप पूछें, उस टाइम आपने पूछना है, ठीक है जी। अदब पहले करना है मोहब्बत के करीनों में, जी बिल्कुल, अदब पहला करीना है। आपने कमेंट्स करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि क्या ये कमेंट्स अदब के दायरे के खिलाफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने बच्चों, मैं ये कह रहा था कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है क्या करते हुए कि वो जो है ना एंटी टेस्ट दे रहे हैं, दरमियान में वीडियो स्टक हो गई थी, ठीक है, तो ये लाइट की वजह से समटाइम होता है सिस्टम बंद होता है, तो आपने प्रॉब्लम नहीं, आपने इसको प्रॉब्लमेटिक नहीं समझना, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो मैं ये कह रहा था थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने एंटी टेस्ट करते हुए देखा है, अटैम्प्ट करते हुए, से जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनसे क्लियर नहीं होता एंट्री टेस्ट, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा समझना शुरू हो जाते हैं, वो टीचर्स के अदब के दायरे से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, अदब जब तक अपना के रहेंगे, कमेंट्स करते वक्त भी आपने अदब का खास ख्याल रखना, क्योंकि बेसिकली इस कमेंट्स के ज़रिए आप टीचर से बात कर रहे होते हैं, टीचर से, जब आप टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर से मुखातिब है, तो आपको देखना चाहिए, किसी भी टीचर से, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही, किसी भी टीचर से आप मुखातिब हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या बात करनी है बच्चों और क्या बात नहीं करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल है आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। चलें जी, इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी बातों पे अमल करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, और इंशाल्लाह देखेंगे अगर आप लोग इन चीज़ों पे अमल करते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, और हर चीज़ को अडेप्ट करके चलते हैं, तो इंशाल्लाह जो है आप इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे। हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज़ क्लियर, जो मैंने आज आपको बात समझाई, मैंने आपकी ना एक माइंड सेटिंग कर दी है कि एमडी कैट का बच्चा कैसा होना चाहिए, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने तेज़ पढ़ाना है, ठीक है, स्पीड तेज़ करनी है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ साथ उसको चलना पड़ेगा, और उसको अदब का ख़ास ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है, टीचर्स के साथ कमेंटिंग, क्योंकि अब ये सामने, तो जब आप क्लास में बैठो आपको बोलते वक्त पता होता है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट करते वक्त समटाइम नहीं पता चलता कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, तो लिखते वक्त भी ख़ास ध्यान रखा करें कि टीचर्स के बारे में लिख रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, सो टीचर्स का जब तक आप ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह जो है आपको बहुत फ़ायदा, यकीन करें बहुत ऊँचा जाएँगे, अपने हर मंजिल में कामयाब होंगे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको तमाम टारगेट्स अचीव करने में इंशाल्लाह कामयाब करें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आमीन के साथ हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो बातें समझाई हैं वो समझ आ गई है ना बच्चों? हाँ जी बच्चों, जो बातें समझ आई हैं वो समझ आ गई है ना सबको? वेरी गुड, शाबाश। चलें जी, चलें जी, वेरी गुड, शाबाश। मुताहिर साहब क्लियर है? अब आपका तो नाम भी मुझे याद हो गया है। हाँ जी, कहाँ है मुताहिर? चलें जी,
स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगा, मैं फॉर्चुनेटली कहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने बड़े टाइमली इस सारी चीज़ को डिस्कस कर लिया है, ताकि आप लोगों की मोटिवेशन भी हो जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए कि आप लोग ऑनलाइन नहीं बल्कि लाइव ही ले रहे हैं और आपको तमाम चीज़ें छोटे भाई समझकर समझाई जा रही हैं। ठीक है ना बच्चों? चलें जी, वेरी गुड। आज का जो टॉपिक है उसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये एक सेल है, इसके बारे में हमने कल बात स्टार्ट की थी। अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा ये कमेंट कौन से है जी? सर टेस्ट कब होना है? बच्चों टेस्ट जो है जैसे ही आप लोगों का एक एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपर। और वैसे तो लेक्चर के एंड पे टेस्ट होते ही हैं। ओके, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको हमने कल डिस्कस किया था डिटेल के साथ। इस सेल के अंदर दरमियान में आपको मिलता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में सारा कुछ जो मटेरियल पड़ा होता है, इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं, मसलन ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पड़े हुए हैं जी गोल्जी अपरेटस पड़ा हुआ है, ये राइबोसोम पड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये लाइसोसोम पड़े हुए हैं, और ये आपका पड़ा हुआ है जी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बाकी के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। ये आपके एक सेल है। ओके, ये हमारा एक सेल है। हम अब सेल के यूकेरियोटिक सेल है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। जब न्यूक्लियस पड़ा होता है तो हम उसको यूकेरियोटिक सेल का नाम देते हैं। यूकेरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को, यानी इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे बेहतरीन काम क्या होगा कि हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को अलग करें। ठीक है जी? जब इन सारे स्ट्रक्चर्स को अलग करेंगे, तो हमारे पास जो तरीका इख्तियार करेंगे हम लोग, उस तरीके का नाम सेल फ्रैक्शनेशन। ये तरीका है, इस तरीके के ज़रिए हम लोग इन तमाम सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे, ताकि हम इनको अच्छी तरह स्टडी कर सकें। जब तक हम इन तमाम कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं करेंगे, हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मुझे न्यूक्लियस की तमाम बातें पता चल जाए, तो मुझे न्यूक्लियस अलग करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की ईच एंड एवरीथिंग इची बिची मुझे पता चल जाए, तो मुझे पहले यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया आइसोलेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह सेल की फॉर्म में हम सेल के हिस्सों को स्टडी नहीं कर सकते। तो पहला जो मेन फोकस होगा आपका, वो सेल के तमाम पार्ट्स को अलग करने का होगा। अगर इंसान के ऊपर आपने पूरी बुक जो पढ़नी है एनाटॉमी की, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको तमाम स्ट्रक्चर्स, दिल अलग पढ़ाया जाएगा, गुर्दा अलग पढ़ाया जाता है, लिवर अलग पढ़ाया जाता है, हर चीज़ अलग। क्यों? क्योंकि जब आप अलग करके पढ़ते हैं तो आप स्टडी अच्छी कर पाते हैं। तो सेल के तमाम कंपोनेंट्स की स्टडी, स्ट्रक्चर्स की स्टडी कैसे होगी? जब हम इन स्ट्रक्चर्स को अलग करेंगे, और अलग करने के लिए जो टेक्निक का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। तो बच्चों जो मैं कहूँगा वो आपने कमेंट करना है। तो सबसे पहले आप कमेंट करें, सेल फ्रैक्शनेशन इज यूज टू सेपरेट सेल कंपोनेंट्स, ये ज़रा जल्दी से कमेंट कर लें। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दें। सेल फ्रैक्शनेशन जब आप लिखेंगे ना, मैं आपसे पढ़ाई वाले कमेंट्स करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज चूँकि मोटिवेशनल लेक्चर शुरू हो गया था मेरा, तो कल से देखना फिर मैं कितनी स्पीड लगवाता, फट्टे चक देने हैं पाँचवें गियर पर। तो सेल फ्रैक्शनेशन इज़ यूज टू सेपरेट सेल कंपोनेंट्स। अब सवाल अगला पैदा होता है, कैसे करने के लिए इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर एक, होमोजेनाइजेशन। ये क्या होती है, मैं भी आपको डिटेल से डिस्कस करवाता हूँ होमोजेनाइजेशन।
और स्टेप नंबर टू जो होगा आपका दैट विल बी सेपरेशन, यानी आप सेपरेशन सेकंड स्टेप के अंदर करेंगे। इन दोनों स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर वन को एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है टिश्यू होमोजेनाइजेशन। हम टिश्यूज को सबसे पहले होमोजेनाइज करेंगे, तोड़ेंगे तभी उसकी चीज़ें अलग होकर बाहर आएंगी, और जब बाहर आ जाएंगी फिर हम उनको अलग कर लेंगे। सो मैं टिश्यू तोड़ने लगा हूँ। मैं एक ट्यूब के अंदर लेता हूँ टिश्यू। इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया? टिश्यू। ये क्या है जी? ये एक टिश्यू है। इस टिश्यू के सारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना बच्चों? ये टिश्यू के सेल्स हैं। दीज आर द टिश्यू सेल्स। ये सारे सेल्स हैं। हम इन सेल्स के अंदर से कंपोनेंट को अलग करेंगे। अलग करने के लिए हम पहले इसकी होमोजेनाइजेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे जी? हमारे पास स्पेशल जूसर मशीन होती है लैब के अंदर। नहीं, उसको जूसर मशीन तो नहीं कहते, उसको होमोजेनाइजर कहते हैं। होमोजेनाइजर इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने क्या करना है, मिल्क शेक तैयार करना है। मिल्क शेक तैयार करते हैं तो जो आपने बीच में बनानास डाले होते हैं, बर्फ़ डाली होती है, वो सारी टूट जाती है। सो आप इसकी होमोजेनाइजर के ज़रिए क्या करवाएंगे? डिसरप्शन करवाएंगे यानी कि ब्रेक डाउन। डिसरप्शन को आम जबान में कहते हैं बच्चों ब्रेक डाउन। हम इन टिश्यूज को तोड़ देंगे, और तोड़ने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होगी जूसर मशीन, उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजर। टूटने के बाद जो तस्वीर आएगी आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना, करीम इस्तेमाल से पहले इस्तेमाल के बाद। तो होमोजेनाइजेशन से पहले, होमोजेनाइजेशन के बाद सारी चीज़ें टूट गई। ये देखें, ये टूट गई हैं, सारी चीज़ें टूट गई। देखो क्लियर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये सेल्स हैं और ये टूट चुके हुए हैं सेल, इनके अंदर वाला मटीरियल बाहर आ चुका हुआ है। इसको हम होमोजेनेट का नाम देते हैं। इस टूटे हुए होमोजेनाइज्ड मिक्सचर को होमोजेनेट का नाम देते हैं। ये जो आपके पास तोड़ने के बाद मिल्क शेक बन गया। अब इस मिल्क शेक को हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप के अंदर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, स्पिन करेंगे। सेपरेशन करने के लिए सेकंड स्टेप के अंदर हम इसको स्पिन करवाएंगे। स्पिन कैसे करवाएंगे? स्पिन करवाने के लिए हमारे पास एक मशीन यूज़ होती है, उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है? वो इसको तेज़ी के साथ स्पिन करती है। स्पिन करने से क्या होता है, ये जो कंपोनेंट सारे बिखरे हुए हैं ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स में आ जाते हैं। सो मैं करता हूँ जी, सबसे पहले ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर होमोजेनेट पड़ा हुआ है, ये सारा होमोजेनेट है बच्चों। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स बिखरे पड़े हैं। इसके अंदर सेल के न्यूक्लियस भी पड़े हुए हैं, राइबोसोम भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हर चीज़ है इसी होमोजेनेट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको लो स्पीड के ऊपर स्पिन करवाएंगे। अब स्पिन करवाने का मैं आपके सामने सिंबल लिखता हूँ, ऐसे स्पिन करवाएंगे, ठीक है जी? स्पिन होगी, स्पिन जब करवाएंगे हमारे पास दो लेयर्स आएंगी बच्चों। अब आपसे एक क्वेश्चन है, दो लेयर्स आ जाएंगी। एक लेयर ये है और एक ये लेयर ये है, ये दो लेयर्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आपसे क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले ये लेक्चर लिया हुआ उन्होंने नहीं बताना, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया ईमानदारी के साथ वो बताएं कि जब आप लो स्पीड पे इसको स्पिन करेंगे दो लेयर्स आएंगी, नीचे वाली लेयर में जो चीज़ें पड़ी होंगी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या ऊपर वाली लेयर में जो चीज़ें पड़ी हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? जिन्होंने पहले से लेक्चर लिया उन्होंने नहीं कमेंट्स करने, ठीक है? मेरा हुक्म रिक्वेस्ट माननी है। जो नए बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे ना पिछले सेशन से, तो आप लोगों ने नहीं बताया, आप लोगों को पता है। हाँ जी बच्चों, जो नए स्टूडेंट्स हैं अंदाज़ा लगाएं, दिमाग लड़ाएं, घुमाएं, और अब कमेंट करें जो मैं पूछ रहा हूं कि ये दो लेयर्स हैं, इनमें से कौन सी लेयर में ज़्यादा डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर्स होंगे और कौन सी लेयर में कम डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर्स होंगे? हाँ जी, नीचे वाली लेयर में क्या होंगे?
जो बैठ गई है, चीजें जो बैठ गई हैं नीचे, सेटल डाउन हो गई हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। इस नीचे वाली लेयर लेयर को हम पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट। नीचे वाली लेयर को पैलेट कहते हैं, और ऊपर वाली लेयर को, ऊपर वाली लेयर को जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम सुपर नेटेंड का नाम देते हैं। सुपर मीन ऊपर, सुपर मीन ऊपर। तो नीचे वाली डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? जब पहली मर्तबा हम इसको करेंगे, हमें न्यूक्लियस मिलेगा, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए होंगे, न्यूक्लियस पड़े हुए होंगे, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ होगा? साइटोस्केलेटन पड़ा होगा, क्योंकि इसकी भी डेंसिटी बहुत हाई होती है। साइटोस्केलेटन वगैरह पड़ा होगा, और जो सेल नहीं टूटे, जो सेल नहीं टूटे, हो सकता है ना कुछ सेल ना टूटे हों, हो सकता है ना, वो वाले सेल्स भी यहाँ पर पड़े हुए होंगे। इन तीन चीज़ों की डेंसिटी सेल में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, हर चीज़ यहाँ है। अभी इनको भी अलग करेंगे, इनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, इनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड कब बढ़ाएंगे जी? बैटरी भी चेक करवा दें ज़रा जल्दी से। मैंने कह दिया बैटरी अभी चेंज हो जाती है, आप बच्चों पर परेशान नहीं होना। लें जी, ऊपर वाली लेयर में अभी भी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, और ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर से चीज़ें मज़ीद अलग करना चाहते हैं। तो अब हम मज़ीद इस सुपर नेटेंड को घुमाएंगे, इसको मीडियम स्पीड पर घुमाएंगे। मेरी तस्वीर नहीं आ रही, परेशान नहीं, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आ गया, मैं आ गया ना। चले, मीडियम स्पीड के ऊपर इसको हम क्या करेंगे? घुमाएंगे, स्पिन करेंगे। अब जब सेकंड टाइम इसको स्पिन करेंगे, सेकंड टाइम जब हम इसको स्पिन करेंगे सुपर नेटेंड को स्पिन करना है। पैलेट में से तो हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, साइटोस्केलेटन निकाल लिया, पैलेट सुपर नेटेंड रह गया। इसको मजीद हमने स्पिन किया, फिर से दो लेयर बन गई। अब हमारे पास नीचे वाली लेयर में वो चीज़ें आएंगी जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ऊपर वाली लेयर में मज़ीद वो चीज़ें अभी तक जो अलग नहीं हुई, जो अलग नहीं हुई। इस नीचे वाली लेयर, हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर से वेलकम बैक। सबर किया करें, परेशान हो करें, समटाइम जो है ना वीडियो स्टॉप हो जाती है, सिस्टम जो है ना वो बंद हो जाता है, तो परेशान ना हुआ करें। हाज़ा पाकिस्तान, हमें उसके साथ साथ चलना चाहिए। तो हम चीज़ों को अलग कर रहे थे, हम सेल को खोल रहे थे, सेल को क्या कर रहे थे बच्चों? खोल रहे थे। अब जब हम सेल को खोल रहे थे तो क्या हुआ, हमें क्या मिला? हमें फिर से दो लेयर मिली। इस नीचे वाली लेयर के अंदर हमें कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर्स मिले। सपोज हमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिला, क्लोरोप्लास्ट और इस तरह के और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। और उसके बाद हम फिर इसको जो है हाई स्पीड के ऊपर क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ लिख देते हैं। इसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जैसे लाइसोसोम्स, उनका भी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के करीब करीब ही होता है। ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको दोबारा से स्पिन करेंगे हाई स्पीड के ऊपर, और अब जो हमें स्ट्रक्चर मिलेंगे हाई स्पीड के ऊपर, हाई स्पीड के ऊपर हमें क्या मिलेगा? ये ले लीजिए, इसके ऊपर फिर दो लेयर्स आई हैं। हाई स्पीड के ऊपर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, जिसका जिसकी डेंसिटी माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास है, वो हमें हाई स्पीड पे स्पिन करने से चीज़ें मिल जाएंगी। फिर से हमारे पास सुपर नेटेंड आ जाएगा। अभी तक कुछ चीज़ें अलग नहीं हुई, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास आखिरी मिशन क्या बचा? वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड पे हम इसको स्पिन करेंगे। और जब वेरी हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं, नाउ दिस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हम उसको स्पिन करते हैं तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। इसमें हमें वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम्स और इस तरह की चीजें, हमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से मिलती हैं, ठीक है। अब जो है आपके सामने एक एमसीक्यूज रखता हूं। मैंने सारे सेल के कंपोनेंट अलग अलग कर दिए,
एक कुर्सी थी, कुर्सी के पाए अलग कर दिए, डंडे अलग कर दिए, सीट अलग कर दी, बैक अलग कर दी, हर चीज अलग। अब वन बाय वन इन सबको हम स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एमसीक्यू लिखते हैं जी, एमसीक्यू लिखते हैं एट वेरी हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूज या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विच कैन बी सेपरेटेड, किस किस को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पे सेपरेट किया जा सकता है। नंबर वन राइबोसोम को किया जा सकता है, नंबर बी यानी बीटा प्रोटीन्स को किया जा सकता है, नंबर सी चार्ली हम डीएनए को कर सकते हैं, या डी डेल्टा, ऑल ऑफ दीज को हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो बताएं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। जब हम उसको बहुत ज़्यादा तोड़कर सेपरेट कर चुके होंगे तो क्या मिलेगा हमें बच्चों, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। हाँ जी, जरा दिमाग पे जोर दें, नहीं ऑल ऑफ दीज, जब बहुत स्पीड के साथ करते हैं ना तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए भी अलग हो जाता है, प्रोटीन भी अलग हो जाता है। बहुत तेजी के साथ स्पिन करने से हमें सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्म में मिल जाती हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी सबसे कम है। राइबोसोम भी तो आपको पता है ना प्रोटीन और आरएनए का बना है, तो राइबोसोम के अंदर भी इटसेल्फ क्या है, प्रोटीन है और आरएनए है। ठीक है जी, तो ये था आज छोटा सा लेक्चर। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम सेल के स्ट्रक्चर को अलग कैसे करते हैं, स्टडी कैसे करते हैं, तब तक लेक्चर्स स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। अब आप लोग भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जल्दी से बचो। कोई क्वेश्चन करना हो इसमें से, कोई आपके जहन में प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कर लें। आज मैंने सारा आपके सामने बेस क्लियर किया सेल बायोलॉजी में, हर स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोम, वो इस तरीके से पहले अलग किया जाता है, अलग करने के बाद स्टडी होती है, फिर उनको किताबों में जाके लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। यू हैव, दिस इज नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन, शॉर्ट सेशन है, जल्दी से अपने अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे ख्याल आज मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी तरह ही एक्सप्लेन करूंगा हर चीज। ओके, क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड यूज होता है जी, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कल वाला टॉपिक तो था ही बड़ा इजी ना, जनरल सा टॉपिक था, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। अभी तो आप देखिएगा कि किस किस तरह के मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता, आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, ऐसे भी होता है। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना मेरे होते हुए, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। मैं हमेशा आपको ना टाइम दिया करता हूँ, सम टाइम मैं एक टॉपिक के एंड पे टाइम देता हूँ, सम टाइम मैं दो टॉपिक्स के लेक्चर के एंड पे तो टाइम देता ही देता हूँ। ठीक है, ना दूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो जाती है। आज टेस्ट की माफ़ी दे देते हैं, कल लेंगे टेस्ट। ठीक है, आज पढ़ा ही थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट में आपको जो है ना वो सारा करवाया। ठीक है, डरा नहीं रहा बच्चों, आपको थोड़ा सा ना मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि मज़ा आएगा ना, हर चीज़ क्लियर होगी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सो, जब भी आप लोगों ने आज क्या सीखा, आज ये सीखा कि जनाब एंट्री टेस्ट में चूंकि इतना ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में कवर करना है, सो स्पीड लगेगी, मैनेज करना पड़ेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना करेंगे, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये सीखी, अदब के दायरे से बाहर नहीं जाना, जब भी कमेंट करें और रिव्यूज़ लिख लें तो ये देखें कि आप टीचर के बारे में लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ जहन में सोचा करें कि आप क्या लिख रहे हैं, सोच के लिखा करें, ऐसे ही ना लिख दिया करें, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़, इंशाल्लाह सारे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे, साथ साथ चाय भी पिया करेंगे। ठीक है, इज देयर एनी स्पीड लिमिटेशन, स्पीड वो मशीन की स्पीड होती है, वो मशीन के ऊपर प्रोग्रामिंग हुई होती है, उस मशीन के मुताबिक हमने स्पीड करनी होती है, वो स्पीड के यूनिट्स जो है ना वो आरपीएम में राउंड पर मिनट, 5000 राउंड पर मिनट, 10000 राउंड पर मिनट, 12000 राउंड पर मिनट तक हम लोग आमतौर पर चले जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करें जी, बिल्कुल मेरी ड्राइव से प्रिपेयर करेंगे, वर्कशीट्स जो मैं दूंगा और टेस्ट जो होंगे उनसे प्रिपेयर करेंगे, एफएलपी से प्रिपेयर करेंगे, चार चार किस्म के तो हम टेस्ट लेंगे, तो मेरे ख्याल है काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप की बुक भी लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की, आप ले सकते हैं।
ठीक है, इंशाल्लाह आज वर्कशीट मैं अपलोड कर दूंगा पहली वर्कशीट, वो आपने सबने सॉल्व करनी है। ले जी ये था आज का लेक्चर, मैंने आप स्वेट बर्ग कल इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा राइबोसोम के टॉपिक में। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, स्वेट बर्ग ना साइंसदान का नाम है, ये जो नीचे चीजें बैठती है ना सेटल डाउन होती हैं, सेटल डाउन होने का रेट बल्कि सेटल डाउन होने को हम इंग्लिश में लिखते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। देखा ये आया ना क्वेश्चन अच्छा सा, सेटल डाउन होने का क्या रेट है, किस स्पीड के साथ चीज नीचे बैठती है, इसका यूनिट स्वेट बर्ग है एस। जिस तरह लंबाई लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इस तरह ये नीचे बैठने का जो इनकी क्वालिटी है सेटल डाउन होने की, इस सेटल डाउन होने की जो रेट है, जो सेडिमेंटेशन का रेट है, उसका यूनिट स्वेट बर्ग है। ये इंशाल्लाह राइबोसोम में मैं मजीद आपको, अगर कोई कहता है जी उसका 100S आंसर आ रहा है, एक का 20S आ रहा है, इसका मतलब 20S वाले का साइज छोटा है, 100S वाले का साइज बड़ा है, इसकी डेंसिटी बड़ी है, इसकी डेंसिटी छोटी है। चलें जी, ये दे था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और आज जो बातें कही हैं उन पर लाजमी अमल करिएगा, इंशाल्लाह आप डॉक्टर लाजमी बनेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।